मुंबई की दूसरी सीट की बात कर लेते हैं और ये सीट है मुंबई नॉर्थ ईस्ट। इस सीट के इलाके हैं भांडुप, विखोली, मुलुंड, मानखुर्द, शिवाजी नगर और घाटकोपर। इन इलाकों में इस क्षेत्र का जो पूरा दायरा है वो इस सीट इन इलाकों के आसपास सीट बिखरी हुई है। पिछली बार इस में बीजेपी के पाले में ये सीट गई थी और यहाँ से मनोज कोटक विजय हुए थे। मनोज कोटक 2019 में मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सीट से जीते थे। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी की परंपरागत सीट भी मानी जाती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट में कुल पिछली बार यानी कि 2019 में 9 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे और अकेले मनोज कोटक को 5,14,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एनसीपी के संजय दीना पाटिल को 2,88,000 वोट ही मिले थे। यानी मनोज कोटक 2,26,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीत हासिल कर पाए थे। इस बार मुंबई नॉर्थ ईस्ट में किस उम्मीदवार का मीटर कहाँ जा रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं और बात कर लेते हैं इस सीट पर बीजेपी की तरफ से और कौन दावेदार है। बीजेपी की तरफ से इस बार मुंबई नॉर्थ ईस्ट से मौजूदा सांसद मनोज कोटक का टिकट एकदम कन्फर्म है, यानी कि उनके मुकाबले किसी की भी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है और पार्टी ने यह तय कर लिया है कि मनोज कोटक को एक बार फिर से यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा और पक्की खबर की इस खबर पर कंफर्म टिकट की मोहर लगती है। उधर मनोज कोटक के मुकाबले शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव गुट से जिन उम्मीदवारों को उतार सकती है उसमें मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय राउत का नाम सबसे आगे चल रहा है। संजय राउत इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। इसके अलावा दत्ता दलवी के नाम की भी चर्चा इस सीट पर खूब है। वे मुंबई के मेयर रह चुके हैं, संजय राउत के करीबी हैं और एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए जेल भी जा चुके हैं। संजय दीना पाटिल पहले एनसीपी से सांसद थे, अभी शिवसेना उद्धव में हैं और यहां से टिकट के मजबूत और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।